सब्सक्राइब कीजिए टिकटैक चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस पहले देखने के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तारीफ और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप किसी कंप्यूटर में फोल्डर होता है उसको हाइड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो चलिए इसको देखते हैं और कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए हम चलते हैं अपने पीसी पे और देखते हैं कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अपना कंप्यूटर खोलना होगा और उसमें अपने माई कंप्यूटर में जाना होगा। उसके बाद आप किसी भी फोल्डर में जाके अपना एक फोल्डर है उसको आप क्रिएट कर लीजिए, या अगर पहले से है तो उसको रहने दीजिए। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना के आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले ये जो न्यू फोल्डर, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर न्यू एक फोल्डर बना देते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए ये न्यू फोल्डर 2 है, तो इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं हिडन। और उसके बाद इसको हम देखते हैं कैसे हाइड करना है। तो हिडन में देखिए अभी कुछ फाइल उल या कुछ मतलब उसमें नहीं है, तो इसमें हम दो चीज़ डाल देते हैं जिससे आपको पता चले। तो इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये एक फ़ोटो है और हम चलते हैं बैक और आपको बतलाते हैं कैसे हाइड करना है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा उस फोल्डर पे और जाना होगा प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक हिडन का ऑप्शन मिलता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कि अभी जो ये फोल्डर डार्क दिखाई दे रहा है वो कुछ धीमा कलर का हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और दिखाते हैं। इसको अप्लाई कीजिए और ऊपर वाला पे टिक करके और ओके कर दीजिए। हाँ हाँ कीजिए उस पर और ओके कर दीजिए। ओके करने पर देखिए उसका जो कलर है वो डार्क से थोड़ा धीमा हो गया है। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपना कंट्रोल पैनल खोलना होगा। ये हमारा विंडोज 8 है, तो इसमें कंट्रोल पैनल सेटिंग से जाके हम खोल लेते हैं पहले। उसके लिए हमको विंडोज़ पर चलना होगा और साइड में कॉर्नर पे जाने के बाद आपको सर्च बार आता है, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, देखिए कंट्रोल पैनल मेरा ऊपर में आ गया। कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको जो अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है एक फोल्डर ऑप्शन का सेटिंग, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है कि व्यू में, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फोल्डर है मेरा हिडन नाम का और व्यू में हमको जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हिडन फाइल एंड फोल्डर है, उस पर अभी शो किया हुआ है। आप वहाँ पे डोंट शो कर दीजिएगा तो वो जो फोल्डर है वो अपने से हाइड हो जाएगा। तो हम आपको दिखलाते हैं कहाँ पर क्लिक करना है। ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है हिडन फाइल एंड फोल्डर, तो इस पर अभी नीचे पे अभी टिक लगा हुआ है शो फोल्डर, इसलिए ये फोल्डर दिखाई दे रहा है। तो हम इस पर डोंट शो पे क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही देखिएगा कि वहाँ से जो फोल्डर है वो गायब हो जाएगा। तो हम इस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ से वो फोल्डर हट गया और ओके कर देंगे। तो हम इसको करते हैं ओके। चलिए इसको कर दिए। अब इसको फिर से अगर लाना हो तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, फिर आप जाइए अपने कंट्रोल पैनल में, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे वो नहीं है फोल्डर। तो आपको इसको लाने के लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में, फिर फोल्डर का जो ऑप्शन था उसमें, उसके बाद आपको वहाँ से फिर लाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, फिर वैसे ही जाएंगे हम सेटिंग में जाएंगे, सर्च करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। देखिए ये फिर आ गया। इसके बाद फिर उसी में अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है उसमें जाएंगे, फिर फोल्डर ऑप्शन में है वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डोंट शो है, उसको फिर से शो उसको कर दीजिए। शो करके अप्लाई कर दीजिए। शो करके अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए अभी हिडन नाम का भी फोल्डर नहीं है, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अप्लाई करने पर वो आ गया। इसके बाद आप ओके कर दीजिए और ये जो धीमा अभी नज़र आ रहा है उसको डार्क करने के लिए आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए और वहाँ पे जाने के बाद हिडन पे जो टिक है उस पर हटा दीजिए।
अब वो फिर से आपका फोल्डर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।